खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है दिल्ली से, कोरोना को लेकर जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। अमित शाह उपराज्यपाल इस बैठक में मौजूद थे। केसेस बड़ी तेजी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं, तो बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो डीआरडीओ का सेंटर है वहाँ पे अगले दो दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैक मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में, तो उससे हम दिल्ली सरकार के भी फैसिलिटीज़ के अंदर नए आईसीयू बेड्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट्स किए जा रहे हैं, अभी लगभग 60,000 टेस्ट हम लोग डेली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 1,00,000-1.5 लाख तक हमें इन टेस्ट्स को डेली बढ़ा के ले जाना है, जिसमें ICMR ने एश्योर किया है कि वो जो भी व्यवस्थाएं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी अपनी एकदम कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, तो केंद्र सरकार की जो वो है वो उसमें हमें मदद मिलेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये हैं, और भी कई सारे निर्णय थे, लेकिन पोल्यूशन से रिलेटेड अभी बात नहीं है। सर, मार्केट भी बंद करने की कोई बात है क्या? वो शायद कल गृह मंत्रालय इसके बारे में मीटिंग कर रहा है, आज इसके बारे में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में कोई चर्चा नहीं है। और सर कोई बड़ा रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं सर? ठीक है, थैंक यू। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा कि जो बेड्स की संख्या है बढ़ाई जाएगी आईसीयू बेड की, और ये बैठक थी गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल और डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर ये बैठक थी, जो बैठक फिलहाल ख़त्म हुई है। और बैठक से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ये जानकारी दे रहे थे कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। ख़ासतौर पर यह था कि किस तरह से जो बेड्स की संख्या है उसको बढ़ाया जाए, और इसी पर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री ने खुद ये बताया कि बेड्स की जो संख्या है उनको अब बढ़ाया जाएगा। तो कोरोना को लेकर ये जो बैठक चल रही थी दिल्ली में फिलहाल खत्म हुई है। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना को लेकर एक बैठक कर रहे थे। इंद्रसेन यादव हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रसेन, फिलहाल यह बैठक चल रही थी कोरोना को लेकर, बैठक खत्म हो गई है, क्या चर्चा इस बैठक में हुई? अब बिल्कुल शंकर, देखिए इस वक्त जो गृह मंत्रालय में कोरोना को लेकर आपात बैठक चल रही थी वो बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी जो परेशानी है राजधानी दिल्ली में वो आईसीयू बेड्स की है, और आईसीयू बेड्स बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में गृह मंत्रालय से जो बातचीत हुई है आज की बैठक में, जो डीआरडीओ सेंटर है वहाँ पर दिल्ली सरकार को 500 अतिरिक्त बेड मुहैया कराए जाएंगे, साथ ही जो ICMR है वो लोग टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है, अभी राजधानी दिल्ली में शंकर डेली तकरीबन 60,000 के आसपास जो टेस्ट हैं कोविड के वो किए जा रहे हैं, लेकिन अब वो टेस्ट की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी, तकरीबन 1 से 1.25 लाख के आसपास जो डेली की टेस्टिंग की संख्या है वो बढ़ाने की भी बात की गई है। अगर रिस्ट्रिक्शंस की हम बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस की
की बात अभी इस बैठक में नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर यह कहना है कि इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से कल दोबारा बैठक की जा सकती है और रिस्ट्रिक्शन पर उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बातें यही हैं कि जिस तरह से लगातार कोरोना राजधानी दिल्ली में अपने पैर पसार रहा है उसको लेकर अब बैठक खत्म हुई है। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर से कहना है कि बैठक में सब कुछ ठीक रहा और वो चाहते हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस मुश्किल घड़ी में साथ में काम करें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ें। और गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि राजधानी दिल्ली में जो कोरोना संकट देखने को मिल रहा है, जिस तरह से लगातार जो कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, उसके लिए हर संभव मदद जो है वो दिल्ली सरकार को की जाएगी। शंकर, बिल्कुल हर संभव मदद का भरोसा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब थोड़ी देर पहले आए उन्होंने इस बात को कहा कि जो बेड्स की संख्या है उनको बढ़ाने को लेकर बात हुई है और कुछ हद तक सहमति भी शायद इस पर बनी है। तो क्या है, केंद्र सरकार के अंडर में जो अस्पताल आते हैं उनमें बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी या दिल्ली सरकार के अंडर में जो अस्पताल आते हैं उनमें भी बढ़ाई जानी है? ये देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, शंकर, साफ तौर पे उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार के पास जितनी भी ताकत है कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के अंडर जो भी अस्पताल आते हैं वहाँ पर सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो DRDO है, DRDO पर जो कोविड सेंटर है उसमें 500 बेडों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, साथ ही जो ICU बेड्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक समन्वय देखने को मिल रहा है और ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि अब तक हमने ये देखा कि दिल्ली सरकार आरोप लगाती थी केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार आरोप लगाती थी दिल्ली सरकार के ऊपर। लेकिन अब जिस तरीके से सिचुएशन लगातार वर्स्ट होती हुई दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जो भी हालात हैं उनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर ही एक साथ काम करेंगे और जल्द ही बढ़ते हुए कोरोना के ग्राफ पर रोक लग सकती है। हालांकि टेस्टिंग की बात अगर हम कहें तो 60,000 टेस्टिंग अभी राजधानी दिल्ली में पर डे की जा रही है और टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने के लिए भी ICMR की तरफ से पूरी मदद का जो आश्वासन है वो दिल्ली सरकार को दिया गया है। शंकर, बिल्कुल यह आश्वासन दिया गया है और जाहिर तौर पर जिस तरह से इंद्रसेन अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कोरोना जो केसेस हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसी को लेकर बैठक भी बुलाई गई थी, क्या इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि किस तरह से इन केसों को रोका जाए और क्या इसके पीछे की बड़ी वजह मानी गई है? देखिए, दिवाली का त्यौहार जो है वो ख़त्म हो चुका है शंकर, लेकिन आने वाले टाइम में छठ का त्यौहार आने वाला है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है छठ में भी, तो उसकी गैदरिंग को लेकर फिर शादियों का जो कह सकते हैं कि लग्न का जो मौसम होता है वो शुरू हो जाएगा और ऐसे में शादियों का जो टाइम है वो आ रहा है तो कितनी रिस्ट्रिक्शन रहेंगी। हालांकि अभी तक 200 लोगों को अलाउड किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की भी तरफ से, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जब इस पर हम लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया तो उनका साफ तौर से कहना है कि रिस्ट्रिक्शन को लेकर कोई बात नहीं हुई है, यानी कि पाबंदियां क्या रहेंगी राजधानी दिल्ली में। अब उसमें कुछ पहलू ये हैं कि शंकर देखिए, जो साप्ताहिक मार्केट हैं उनको बंद किया जा सकता है, साथ ही जो भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स हैं लाइक सदर बाजार, चांदनी चौक, गांधीनगर, इन मार्केट्स को ऑल्टरनेट डेज पर भी किया जा सकता है। लेकिन पाबंदियां क्या रहेंगी शंकर, अभी यह साफ नहीं हो पाया है और जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने साफ ये किया है कि रिस्ट्रिक्शन को लेकर जो गृह मंत्रालय है कल दोबारा बैठक कर सकता है, उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। और केजरीवाल ने कहा कि जो भी आदेश यहां से मिलते हैं उसका पालन किया जाएगा और कोरोना जो लगातार राजधानी दिल्ली में अपने पैर पसार रहा है कहीं ना कहीं उस ग्राफ को तोड़ना है, उसमें कमी लानी है, तो इसको लेकर तरह तरह की जो कवायद है वो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। अच्छा, ये तो सरकारों के प्रयास है इंद्रसेन, लेकिन क्या आप लगातार अलग अलग जगहों पर जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के बीच में आप भी जाते हैं, क्या लोग इतने जागरूक हुए हैं, खुद लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग हमको बनानी है, मास्क पहन के ही बाहर निकलना है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है? कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आती हैं जो डराती हैं, कहीं ना कहीं लोग जानते हैं कि कोरोना है, कुछ लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं होते, उनको लगता है कि कोरोना जब होगा तो हो जाएगा, इसमें डरने वाली क्या बात है? तो यह भी एक चीज है जागरूकता लोगों के अंदर जो होनी चाहिए।
देखिए शंकर, जागरूकता की अगर हम बात करें तो जागरूकता तो देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके से फेस्टिव सीजन की शुरुआत हुई है, अगर हम राजधानी दिल्ली की ही बात करते हैं तो ग्राउंड जीरो पर हमने इस दिवाली के त्यौहार पर देखा, चाहे वो सदर बाजार हो, गांधीनगर हो, या फिर हम बात करें चांदनी चौक की, या फिर और भीड़ भाड़ वाली जो मार्केट्स हैं उनकी बात करें, शंकर कहीं पर भी सोशल डिस्टेंस नहीं था। सोशल डिस्टेंस तो था नहीं, मास्क भी कुछ ही लोगों ने लगाया था, बिना मास्क के लोग ज़्यादा वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, और उसी का नतीजा ये है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी। रिकवरी रेट अच्छा था, लेकिन दिक्कत यही है शंकर कि लोग ना जागरूक तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में, जब हमने ग्राउंड जीरो पर उनसे बात करी कि मास्क नहीं लगाया, तो लोगों ने तरह तरह के बहाने बनाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना का जो ग्राफ है वो राजधानी दिल्ली में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर चिंतन और मंथन कर रही हैं, और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ पाबंदियों को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से कहा जाता है। दिल्ली सरकार ने साफ कह दिया है कि उनको पूरी मदद का जो आश्वासन है केंद्र सरकार की तरफ से मिला है, बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, टेस्टिंग के लिए और ज़्यादा टेस्टिंग हो सके, डेली 1 लाख तक टेस्टिंग करने का टारगेट रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, देखिए बैठक हो गई है, निर्णय ले लिया गया है, लेकिन धरातल पर अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, इसको ये देखने वाली बात होगी शंकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रसेन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में ये बैठक चल रही थी, फिलहाल जिस तरह से कोरोना को लेकर एक अहम बैठक थी जो कि ख़त्म हुई है, और अस्पतालों में जो बेड्स की संख्या है उनको किस तरह से बढ़ाया जाए इसको लेकर चर्चा हुई।